और सियासी हलचल आज तेज है क्योंकि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और इसकी शुरुआत वो आज करेंगे। सबसे पहले तो वो राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद वो वहीं से निकल पड़ेंगे अयोध्या के लिए। रुदौली में उनकी वंचित शोषित सम्मेलन है और वहां पर उनका संबोधन है। इसके अगले दिन यानी 8 सितंबर को ओवैसी का सुल्तानपुर जाने का कार्यक्रम है। यूपी दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में रहेंगे। तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की फैजाबाद से मोहब्बत कम नहीं हो रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पहले जो पोस्टर छपे थे उसमें अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा था, लेकिन अब जो पोस्टर छपे हैं उसमें अयोध्या ही लिखा है, लेकिन फैजाबाद भी दिख रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि फैजाबाद या अयोध्या कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इस पोस्टर पर सियासत खूब हो रही है। ये आपको बताएं, फैजाबाद ये नाम बदलकर अयोध्या हो चुका है ऑफिशियली, ये बात सभी जानते हैं। इस पर अच्छी खासी बहस भी हुई थी, नाम बदलने के ऊपर लोगों ने खूब चर्चा की थी, लेकिन बावजूद इसके ये दोनों नाम फ्लैश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं ये जानेंगे हम हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से, लखनऊ से जुड़ते हैं। और आज की सियासी फिजा में अलग ही बदलाव की बयार दिखाई दे रही होगी शैलेश। और देखिए, सवाल आज जरूर पूछे जाएंगे कि फैजाबाद कहना चाहते हैं या अयोध्या कहना चाहते हैं। दो तस्वीरें हमारे सामने स्क्रीन पे, जब ये होल्डिंग, ये बैनर, ये पोस्टर लगने शुरू हुए, जारी हुए, तो उसके बाद इसको लेकर विवाद भी खड़े हुए कि अयोध्या या फैजाबाद। बहरहाल हम इस समय रुदौली में मौजूद हैं। देखिए, इसी क्षेत्र में कार्यक्रम भी है आज AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और यहाँ से मिशन 2022 का शंखनाद होगा। आपको हम पहले दिखाते हैं किस तरह से। देखिए, ये कुछ होल्डिंग्स लगे हुए हैं जिन पर बड़ा बड़ा आपको नजर आएगा मिशन 2022, और जो अब ये नए होल्डिंग लगे हैं यहाँ पर अयोध्या ही लिखा गया है, इन पर अब फैजाबाद आपको नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम अयोध्या और फैजाबाद को लेकर पार्टी के लोग क्या कहते हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस समय AIMIM के जो प्रदेश महासचिव हैं गुलाम साबिर साहब, वो मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे आखिर कहना क्या चाहते हैं, वो फैजाबाद कहेंगे या अयोध्या कहेंगे। और एक चीज और आपको बताएं, जो गुलाम साबिर साहब है ये यहीं के निवासी भी है अयोध्या के, तो मेरे ख्याल से इनसे बात करना बहुत बेहतर रहेगा। जी साबिर साहब, आपसे पहला सवाल ये लेना चाहेंगे, आज बड़ा आयोजन है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो होल्डिंग थे, पहले फैजाबाद लिखा होता है अब अयोध्या लिखा है, तो रहने वाले भी अयोध्या के? जी जी, असल बात क्या है कि हम लोगों का बचपना यहाँ गुजरा और हम लोग रहने वाले भी यहीं के हैं, तो पहले डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद ही था, अभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अयोध्या किया है, तो अयोध्या ऑलरेडी पहले से भी थी। ऐसा तो है नहीं कि भी खाली फैजाबाद था, अयोध्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभी अयोध्या को डिस्ट्रिक्ट बनाया है। तो अभी क्या होता है कि जो फैजाबाद वाले हैं वो फैजाबाद ही बोलते हैं। अब आप काजीपुरा में खड़े हैं तो काजीपुरा ही बोलेंगे, इसको अयोध्या नहीं बोल सकते। हम जब जाएंगे या कोई पूछेगा भी कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका जिला क्या है, तब उसको आदमी बोलता है कि अयोध्या हो गया, लेकिन अयोध्या ऑलरेडी पहले से नहीं माना जा सकता है कि वो गलती से लिखा गया था। नहीं, वो गलती की बात नहीं है कि गलती से लिखा गया, फैजाबाद है तो फैजाबाद है, डिस्ट्रिक्ट अयोध्या है तो अयोध्या है। सियासत भी हो रही थी कि अभी भी ओवैसी की पार्टी के लिए फैजाबाद ही है, वो अयोध्या नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सियासत देखिए मान नहीं रहे हैं, लेकिन तो नाम में बहुत कुछ रखा है, ये हम पिछले दिनों सियासी गलियारों में लगा है कि नहीं लगा है, बोल चाल की भाषा अलग है, लेकिन जब लिखा पढ़ी की बात आती है लिखते क्या है वो कालजयी हो जाता है, कोई मुद्दा है नहीं, तो ये मुद्दा इन्होंने विकास मानेंगे नहीं, लेकिन बन चुका है, चर्चा भी हो रही है। शैलेश, वक्त कम है आपका, लेकिन बहुत शुक्रिया, जो तस्वीरें आपने दिखाई, जो जानकारी आपने दी, तो ये